हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए अरेबियन सी है और ये सी बीच के किनारे ये जो फैली हुई है पूरी बेल है बहुत बड़ी, और इसको मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। और यहाँ यही है, जितना डेजर्ट वाला रेत वाला एरिया है उसमें सारे में यही फैली हुई है। और इसको देखिए आप, पहले ध्यान से देखिए आप, और इसके पत्ते देखिए, और ये रेत में ऊपर ऊपर लगी हुई, इसके रूट्स नीचे तक गए हुए हैं। ठीक है, देखिए आपको रूट्स भी कहीं कहीं ऊपर फैले हुए दिख रहे होंगे। और इसके पर्पल से कलर के फ्लावर्स होते हैं। और इसको और दिखाती हूँ मैं आपको, और यहीं से गिर गिर के दूर दूर अपने आप ही ग्रो होती रहती है। और ये इसको पूरे डेजर्ट में यही एक ग्रीनरी बनाए रखती है। यहाँ आसपास और कोई फ्लावर नहीं है, इसके छोटे छोटे बीज गिर के ये उग रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। और पूरे में ये कवर्ड जो ग्रीन एरिया पूरा सब इसी से भरा हुआ है ये। और ये जितने भी श्रीलंका के बीचेस हैं सब में यही फैली हुई है, और यही की यही बेल से मैंने पोर्ट ब्लेयर पे भी, अंडमान निकोबार पे भी देखी थी। तो इसका नाम है आइबोमिया की एक वेराइटी है ये, इसके सीड्स हैं, ये सीड पॉड लगी हुई है इसमें। और इसका फ्लावर भी दिखाती हूँ मैं अभी आपको, ये कुछ कुछ अलमंडा जैसा फ्लावर होता है, आइबोमिया असारी फोलिया बोलते हैं इसको। और इसको डेजर्ट फ्लावर भी बोलते हैं, डेजर्ट फ्लावर ऑफ सऊदी अरेबिया, क्योंकि ये डेजर्ट में ही होती है ये वाली बेल। अगर हम इसको लाके घर में भी ग्रो करना चाहेंगे तो हमको इसके लिए रेत में ही लगाना पड़ेगी, ये मिट्टी में नहीं लग पाएगी। ठीक है, और रेत भी अच्छी थोड़ी गहरी सी हो, जिससे कि ये ऊपर कुछ रूट्स इसकी ऊपर ऊपर फैली होती है और कुछ नीचे डीप काफ़ी गहराई में गई हुई होती है। पत्ते इसके ऐसे गोल गोल से होते हैं और पूरे टाइम में ग्रीन ग्रीन, यहाँ से बड़ा अच्छा लुक देती है, बीच बीच में फ्लावर फ्लावर निकले हुए। और पीछे हम गए थे वहाँ पे भी बहुत उगी हुई थी, तो ये देखिए आप ऐसे पूरा आपको दिख रहा है पूरा ग्रीन पीछे तक, और समुद्र जहाँ तक पानी आ जाता है वहाँ तक नहीं है, ये जो सूखा वाला एरिया है उसी में है ये। तो हाई टाइड होती है तो पानी यहाँ तक आता है, तो यहाँ पर नहीं है, जहाँ पानी नहीं आता वहाँ पे है ये। तो इस तरह से एक तरह से मिट्टी को रोकने का भी काम करती है कि समुद्र मिट्टी काट के ना ले जाए, ठीक है ना। तो और इसको आप देख रहे हैं लगाना है, इसको मैंने बताया आपको सैंड में ही लग सकती है। इसके फ्लावर्स होते हैं कुछ, ये आइपोमिया के फ्लावर्स जैसा दिख रहा है, आइपोमिया ही है इसका नाम। तो ये इसका फली है और ये इसका फूल है, ट्रम्पेट जैसा इसका शेप होता है पूरा। और ये कुछ कुछ अलमंडा जैसा दिखता है ना, लेकिन आपको मैंने इसका नाम अभी बताया। तो यहाँ पहले मैंने देखा कि क्या क्या है, इसके शेड बड़े अलग अलग होते रहते हैं क्योंकि सन रेज अलग अलग साइड से पड़ती है ना, इसलिए आपको वीडियो में भी अलग अलग शेड दिख रहा होगा, लेकिन एक ही है ये। तो आई होप